टॉमी वर्सिटी। हाँ रहने दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लोग उसे भूल गए हैं, लोग उसे फिर से याद करने लगेंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ चलेगा, और ये बात हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए सोनी? तो हम उसे पुराने दोस्त की तरह देखेंगे और शहर के बाहर उसे बिजी रखेंगे। तो हम शहर पर कब्जा करने की बात कर रहे थे। वाइस सिटी आज सोना उगल रहा है, कोलंबियन और मैक्सिकन आज कुछ नहीं कर पा रहे, और ये अच्छी बात। और ये सब ड्रग्स के लिए कर रहे हैं सोनी, ये कोई फैमिली कहीं से टच भी नहीं करेगा। वक्त तो हमेशा बदलता है और फैमिली को इसमें आना पड़ेगा। जब हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो हमें किसी को भेजना पड़ेगा हमारा काम करने, और हम यहाँ पर आराम करेंगे। ठीक है, तो टॉमी को लेने कौन जाएगा? ग्लेन रोजेनबर्ग, क्या ये वकील टॉमी को संभाल पाएगा? इससे हमें क्या, हमें टॉमी को वाइस सिटी से भगाना है, समझे? चाहे जो भी हो जाए तो उसे भगा दो और कुछ पैसे दो, फिर देखो 2 महीने में वो यहाँ से भाग जाएगा। टॉमी, केन रोजेनबर्ग हूँ मैं, तुम्हारा वकील हूँ मैं, तो मैं तुम्हें डील करवाने लेकर जाऊंगा। मैंने सप्लायर से बात कर ली है, वो आ रहे हैं, वो हमसे बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो सब ठीक रहा तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो चलो चलते हैं डील करने दोस्त। तो ठीक है, सप्लायर हेलीकॉप्टर में है, तो डील ये है वो सीधे पैसे मांगेगा। तो ठीक है, होशियार रहना, चलो जाओ। माल लाए हो? 100% ग्रेड ए का कोलंबियन माल है मेरे पास मेरे दोस्त। अब मेरे को हरी पत्ती दिखाओ। देख लो दोनों बैगों में भर के पैसा है। मेरे को लगता है डील पूरा हुआ मेरे दोस्त। ओए गोलियां चल रही हैं। अरे ओए भागो, अरे भागो, भागो, गोलियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, भागो भागो भागो। मैं बाल बाल बच गया, मेरे सर के पास से गोली गुजरी, बस एक सेकंड के लिए बच गया, ये तो मैं मर जाता आज। जाओ और जाकर आराम करो अब। तो अब तुम क्या करोगे? कल मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा और फिर हम इस गड़बड़ी को सॉल्व करेंगे। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपको पता है हमारा माल कुछ गुंडों ने जब्त कर लिया है, और हमारा बॉस हम पर ही गुस्सा किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। हमने तो वो माल चोरी नहीं किया, वो यही समझ रहा है कि हमने वो चोरी किया है, लेकिन बिल्कुल गाइस आपको पता है कि हमने वो चोरी नहीं किया। चलो चलते हैं हम, मैम आपको एक पिंक कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, हम उसके पास चलते हैं। वो एक होटल है, वाइस सिटी कितना खूबसूरत है वो नज़र आ रहा है, हमें उसके पास जाते हैं। चलें, वो कितना प्यारा होटल है, चलो इसमें चलते हैं। ये जहाँ पे हम गेम सेव कर सकते हैं, और ये ऊपर हमारा रूम है, चलो चलते हैं वहाँ पे। चलो गाइस, ए टॉमी मेरे दोस्त, डील का क्या हुआ? डील फेल हो चुकी है। मैंने सुना है डील फेल हो चुकी है और हमारा सारा पैसा जाया हो चुका है। हाँ तुमने सही सुना। और क्या, हमारा पैसा किधर है? टॉमी तूने सारा पैसा वहां से क्यों नहीं उठाया? वो सारा पैसा मेरा था, बता मुझे टॉमी, जल्दी बता। पैसा यार उधर रह गया, मैंने वो पैसा वहां से उठाया ही नहीं। मुझे पता है तूने वहां से वो सारा पैसा जरूर उठाया होगा। अरे यार वो पैसा मैंने वहां से नहीं उठाया। अरे टॉमी वो पैसा चुप करके मुझे तुम वापस कर दो। वो पैसा वहीं पर रह गया, वो लोग वहां से लेकर चले गए। मुझे पता है टॉमी तुम एक बहुत बड़े चोर हो, मेरा पैसा वापस दो मुझे। अरे यार कैसे समझाऊं तुम्हें, कैन तुम्हारा वकील है ना, कैन से पूछ लो तुम, सारा पैसा जाया हो गया।
टोमी झूठे कहीं के, पैसा सारा तुमने उठाया है। टोमी दो के पास मेरा पैसा वापस दे, वरना तुझे मैं जान से मार डालूंगा। मेरा पैसा वापस दे मुझे, अभी चाहिए। कहाँ छुपा रखा है तूने? धोखे से मेरा पैसा अपने पास रख लिया है और तू मुझे वापस नहीं दे रहा। मुझे पता है तूने अपने कब्जे में किया हुआ, जल्दी दे। शिट यार, चले चलते हैं गाइस, हमें कैन के पास जाना है जल्द से जल्द और इस गड़बड़ी को सॉल्व करना है। चले इस गाड़ी पर चलते हैं। वाइस सिटी कितना खूबसूरत है, जल्द से जल्द हम कैन के पास पहुंचना है। वाइस सिटी बहुत खूबसूरत है, आपको मैप में एक एल पॉइंट दिख रहा होगा, हमें इसके पास जाना है। वो ये क्या, चले हम इसके पास पहुंच गए, हमें इसमें जाना है। तुमने मुझे कहा था सो जाओ, पर मैं डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। मैं सारी रात यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर चाय पीता रहा, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। ये एक मुसीबत है, ये बंदर फिर यहाँ आएंगे और हमें मार डालेंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं इसके लिए वकील नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। बोलो, हमारे पास कुछ नहीं बचा। खामोश हो जाओ और आराम से बैठ जाओ इस कुर्सी पर, और मुझे कुछ सोचने दो यार। तुम खोज के बताओ हमारा माल लूटा किसने, फिर मैं उन्हें मार डालूंगा। ये अच्छा आइडिया है, मुझे सोचने दो। हाँ, वो एक रिटायर कर्नल है जो हमारी मदद कर सकता है। हाँ, और वाइस सिटी के गुंडों से बचकर रहना। हाँ सुनो, और आज कर्नल वहाँ पार्टी कर रहा है, और हाँ वाइस सिटी के वहाँ सबसे बड़े बड़े प्लेयर आने वाले हैं, और हाँ मुझे भी उसने पार्टी पर इनवाइट किया है, पर मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और यहीं पर रहना चाहता हूँ। अबे यार चुप हो जाओ, मैं वहाँ पर अकेला ही चला जाऊंगा। हे टोमी, तुम स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं वहाँ जा सकते, क्योंकि ये अमीरों की पार्टी है। और तुमने अपने कपड़े देखे, क्या हुआ कपड़ों को, ठीक तो है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल फरंगियों वाले कपड़े हैं। ये लो मेरा शॉपिंग कार्ड, ऐश करो, मजे करो और जिंदगी जियो। ठीक है, थैंक यू। चले चलते हैं गाइस, मैम में हमें एक पॉइंट दिख रहा है जिस पर सूट बना हुआ है, उसके पास हमने जाना सबसे पहले। पता नहीं क्यों बोल दिया गया कि कपड़े चेंज करो, ठीक तो थे मेरे। चलो फिर भी हम चले जाते हैं, वाइस सिटी कितना खूबसूरत है। वो सामने हमें शॉप दिखाई देगी, वो देखें, इस पॉइंट के पास रुकना है हमें। चले चलते हैं हम, वो कितना खूबसूरत लग रही है ड्रेस, वो जबरदस्त बाइक, इस पे चलते हैं हम, अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं। वो गजबनाक लग रहा है हमारा आदमी, साउंड चेक करें बाइक का। ओ, ये क्या, जल्दी से जल्दी हमें उस पार्टी में शामिल होना है और इस गड़बड़ी को सॉल्व करना है। चले चलते हैं गाइस, वो कितना खूबसूरत लग रहा है, बाइक का साउंड चेक करें। मैम हमें पॉइंट दिख रहा था, उसके पास पहुंच गए हैं। चले चलते हैं उसके पास, ये है सामने, इसके पास रुकते हैं। गुड इवनिंग, मैं समझ गया हूँ तुम कैनपर की तरफ से आए हो। उम्मीद करता हूँ उसकी तबीयत भी ठीक होगी और उसका दिमाग भी ठीक होगा। आपका नाम? टॉमी वर्सिटी। कैन रूजिंग बर्ग को भीड़ से बहुत डर लगता है। बहुत अच्छे, वैसे तुम करते क्या हो? फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं। कैन ने फोन पर मुझे सब बता दिया है, ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि तुम लोगों के साथ ये काम हो गया। और हाँ टॉमी, मेरे साथ ये वाकया कभी नहीं हुआ और मेरे बाद ऐसे धूमे सफेद नहीं हुए। तुम्हें भी आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस समझ आ जाए। आओ मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। मर्सिडीज, तुम मेहमानों को संभालोगी, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूँ।
क्यों नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टॉमी वर्सिटी है। अरे टॉमी आओ, मैं तुम्हें अपने कुछ मेहमानों के साथ मिलवाती हूँ। आओ देखो, वह है वर्सिटी का स्टार डीजे। अरे वाह, क्या बात है। और वहाँ है वर्सिटी का फेमस सिंगर, और इसके साथ है मेहर खड़े हुए हैं, और ये है फिल्मों का डायरेक्टर, बहुत फनी है ये। मैं ऐसे फिल्म बना रहा था और ऐसे फिल्म बनाते बनाते शूट कर दी है शूट। फिर वो कहता, नहीं यार रीटेक क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा फिल्मों में तो रीटेक होगा ना। कर्नल, तुम्हारी पार्टी हमेशा मस्त होती है। माफ करना मुझे लेट आने के लिए। अरे कोई बात नहीं, आ गए बहुत अच्छा हुआ। धंधा पानी बिजनेस आज का डीला है मेरे दोस्त, बम्बेरियम दरवाजे पे है, अभी वक्त है दारू पीने का, पार्टी करने का। मर्सिडीज ये कौन है? पक्की गैंग का बादशाह। मर्सिडीज इधर आ जा। नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ, बाद में देखा। चले टॉमी यहाँ से चलते हैं, तुम मुझे कलम में छोड़ दो। चलो चलते हैं, मर्सिडीज को क्लब छोड़ देते हैं, गाड़ी में चलेंगे हम आज, जल्दी आ जाओ। तुम मेरे पापा के लिए काम करना चाहते हो? शायद। वो एक अमीर और पावरफुल पिताजी हैं, चलो चलते हैं। चलो यहाँ से हम जल्दी चलते हैं, जहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं वहाँ मेरे सामने एक सर्कल नजर आ रहा है, हमें उसके पास जाना है। चलो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, चलो फिर मिलते हैं हम सब। ओके बाय शोहर। ओए डॉर्मियो।